नेचर दो हाथ है, ताली बजे हमारे साथ। आज कीर्तन की आपको पता है, ये तो हमारे साथ एक हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
सब प्रदान करें। हरे इसका अर्थ है कि ये भगवान का शक्ति हरा हरा कहते थे भगवान होते कि भगवान को उपासना करें, भगवान को आराधना, भगवान को चरण में पूरा शरणागत होती है, भगवान का शक्ति का मूल भगवान के हृदय पूरा करें, भगवान कृष्ण सर्व अर्थ है सर्वाकर्ष है, कृष्ण शब्द है कृष्ण जन्म बिंदु से पार करें, कृष्ण तो अर्थ है परम चिन्मय आनंद का मूल, राम मतलब है ये भी आनंद का सागर है, आनंद परम भोक्ता है, ऐसा अर्थ है। हे हरा हे भगवान का अंतरंग शक्ति, हे कृष्ण हे राम मुझे आपका सेवा में जीवन है, थोड़ा मन हिंदी बोलता है आदर नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर गलती हो तो कृष्ण कर माफ। आज का विषय है कि है क्या लाइक टू बी डॉमिनेट और डोमिनेट, इस बारे में बहुत बार इसलिए बहुत बार हमारे देश को एक पत्रिका भवन के प्रतिनिधि के कहते हैं कि भोजन की सामग्री देखकर कुत्ता आता है, मैं कहता हूँ हट और वहां चल जाता है, पर वहां फिर से लौट आता है, क्योंकि इसमें स्मरण शक्ति नहीं, इसी तरह इसी प्रकार जब हम सिर्फ भगवान का विसर्जन कर देते हैं तब हमारे मानवीय गुण भी कम होने लगते हैं, वहां कोई धर्म नहीं रहता, केवल रह जाती है पशु प्रतियोगिता, एक स्वान मतलब कुत्ता संस्कृत पर चार पैरों पर दौड़ता है, आप दौड़ते हैं चार पहियों की गाड़ी रहेगा, चार चक्का चक्का करना है फिर वो बस बस यही अंतर है। आप सोचते हैं कि चार चक्का पर दौड़ते दौड़ने की यहाँ प्रतियोगिता संस्कृति और सभ्यता की प्रगति की सूचक है, लेकिन इनका क्या है इसलिए दौड़ता है, आहार कहाँ भोजन है कहाँ आइसक्रीम है कहाँ पिज्जा हट है, मैकडोनल्ड्स अहमदाबाद में है, रेड ब्लू स्टैक तो बिहार आदमी यहाँ से अमेरिका गया देखेगा
जरूर फैमिली में अस्पताल हर इंडिया में रेड रूस्टर तो थोड़ा वो बात सब क्या बातचीत हुई थी ग्रहण पड़ेगा थोड़ा सा कुछ कहे प्रश्न करता मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव कम होता जाता जा रहा है और यदि वहां सत्य है तो क्या यही कारण है कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार की वृद्धि हो रही है और हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास अथवा अवनति सुलभ हो पा जी हाँ धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। श्रीमद् भागवत में इस वर्तमान स्थिति को देखा जाता जैसा देखा सकता है 12 अध्याय 12 अध्याय 2 12 श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 2 अध्याय है ततश्चांदीनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नं खत्ता यु आयु बलम स्थिति इसका अर्थ है कलयुग में सत्य कलयुग में धर्म सत्य स्वच्छता दया आयु शारीरिक शक्ति और सर्व शक्ति कम हो जाए होता है। ये मानवीय गुण ही मनुष्य को पशु से पृथक करते इसलिए शास्त्र में कहा धर्म ही ना पशु ही उसके हाथ से फर्क क्या है अभी आगे कहेगा। ये भाई कुत्ता को इधर आओ भालू को ऐसे आदमी है दीपक पशु कहा जा रहा इसलिए ईश्वर जी ने कहा एक सौ लेकर ये सब संभव है अभी संभव नहीं हरे हम सोच रहा पहले ये नहीं थे तो वो बहुत गुणवान थे इसलिए आयु में जा रहा तो एक से ज्यादा हो जाते एक सौ लेकर उसने भरत माना बड़ा तो कहा कि जस आत्मबुद्धि पुनः के धात ये जो हमारा शरीर है एक तो एक चाम का थलिया है इसमें है क्या हड्डी है खून है मांस है कि और कितना गंदा चीज है मालमूत्र है तो कहा था जो इसको अपने का स्वरूप समझ जा ये हमारा स्वरूप है माय है ऐसे ही जैसे आत्मबुद्धि पुनः पे सिद्धार्थ को तो कित वायु से होता बना हुआ सभी कलप का आदमी भूम ही जो थी सबका अर्थ हो गया जरूरत नहीं जो कॉन्टेक्स है जनेशु गाढ़ा जो आदमी पुष्कर रहा आहार निंदा आत्मर खा मैथुन का लिखता सुअर गाढ़ा करता बहुत परिश्रम कर रहा है रोज चौबीस घंटा में 20 घंटा 18 घंटा वो दीपक पशु है आपका जो ये है
जितना आप खाने से क्या मान लीजिए छः रोटी तो पर दाल थोड़ा सब्जी, आप जितना भी पैसा बनाएं उससे ज़्यादा खाने नहीं खाते। आहार निद्रा आप नींद जा रहा भोजन ले रहा, जो चिड़िया है मछली है पशु है ये है सभी जा रहा फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। सरीसृप है जो रेप्टाइल्स आहार निद्रा आत्मरक्षा नहीं था सभी नहीं था इसके साथ में कहा गया। आप अगर कई बंदर बने आपके देवता बने पशु बने हैं ये सब चीज़ें आपको मिल जाए क्या विषय इसलिए शास्त्र में कहा विषय सर्वत्र खुले। तो अगर जो ऊँट अभी हम मान लीजिए ऊँट उठा नीचा मैचू नहीं कर आत्मसाधन ये नहीं है आप पैलेस में रहते अच्छा हमारे बिल्डिंग है हम आपको ऊपर में सुना इसका मतलब नहीं है कुत्ता बाहर में सुना वो नीचे जाता है अच्छा से आराम सुनना होने नहीं सकता हवा में आराम से जाए नहीं जाते होने नहीं सकते लेकिन अच्छा नींद सुख हो उसका भी पत्नी है बाल बच्चा है आपको वो भी भोजन लेता है हाथी भी भोजन लेता शेर भी लेता मगर मांस भी लेता उसका भी बच्चा है तो प्यार प्यारे तो फर्क क्या है। कोई को जर्मनी में दो बार भी पूछा देखिए हम कितना प्रगति किया वेस्टर्न में क्या प्रगति किया देखिए हमारा अंडरग्राउंड ट्रेन है टनल है बनाया और प्लेन बनाया कितना तो बोलने लगा बोलगा कहा अच्छा ये प्रगति का क्या मेजरमेंट है इसे आप मेजर कर स्केल होगा हम तो अच्छा आप ये बनाने के लिए तैयार करने के लिए आपको क्या करने पड़ा है स्कूल में नहीं गया पढ़ाई क्या करें उसके बाद कॉलेज नहीं गया उनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहा लेकिन कॉलेज उसके पहले इसका स्कूल में पढ़ने पड़ता है जो कॉलेज उसको अधिकारी होना है इंजीनियर तब वो सिलेक्ट करें तब कॉलेज तब इंजीनियरिंग कॉलेज बी हाँ डिप्लोमा को डिग्री को बी टे आर्किटेक्चर आप एक तो गोबर का अच्छा देखिए हम तो उसको प्रवेश कराते हैं क्यों आप देखिए कितना पैसा नहीं किया तो ये बनाने के लिए आपको कैसे बनाया तो फैक्ट्री से जंतु ले आने पड़ा हाँ तो डिगिंग किया जो है रास्ता में देगा मिट्टी को सब ले लेता दूसरा जगह मिट्टी दे बीजा बनाने का कार्य बनाने के इतना परेशानी इतना चीज़ का जरूरत है। अच्छा आप कभी खेती नहीं किया हाँ आप कभी जाता गांव में तो खेत नहीं किया खेत में क्या देखा क्या फल सब्जी ये सब फलाता वहाँ हवा में आप मिट्टी में कुछ देखा हाँ क्या देखा उसने गड्ढा देखा होल देखा होल तो क्या करता कष्ट ना क्या करता है होल है उसने इंग्लिश बात करता साइंस की पता नहीं मुझे आपने क्या करता होल को टाइम तो कौन बनाया चूहा अजय चूहा तो कभी स्कूल में गया कॉलेज में गया इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा कोई यंत्र है अभी नाम उसमें घुसेगा एक दिशा एक दिशा से जो और दूसरा दे तो और ज़्यादा खाने उनसे भाग जाए भाग जाएगा हाथ पर रखा कर रहा हूँ तो कौन प्रगति क्या कौन आगे बढ़ा एक चूहा ना आप प्लेन बनाया एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने बनाया ये
अमेरिका में MIT जर्मनी दिल्ली क्या है हाँ पता है पढ़ाई तो उसको बाद प्रैक्टिकल करने पड़ा कोई को अधीन नहीं तो अंडर कोई को तत्वावधान नहीं अब इसी वजह डॉक्टर होने के लिए डॉक्टर के पास काम करने पड़ता तब तो लाइसेंस दे तब आप बनाना सकते लेकिन जन से तैयार नहीं करता टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए और आप देखिए कितना ऊपर में ग्रिड हाँ फ्लाइंग ईगल फ्लाइंग तो ये कि कुछ अमेरिकन इंडियन में क्या मैं पढ़ाई किया तो ये बहुत कॉम्पिटिशन है तो कौन अच्छा प्रगति किया ये प्रगतिशील है आप प्रगतिशील है लेकिन आप देखा टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर बहुत दूर का चीज देख रहा जहाज से है नेवल फोर्स उसे जहाज सवेरी है बहुत दूर से और देखिए ये ग्रिड बहुत चार 5 मील ऊपर से देख रहा उनका पैर में ऊपर उनका जो नेस्ट है हिंदी में क्या है नेस्ट उसका भी बच्चा रहता है वहाँ अंडा रहता है बस देखने का कोई आ रहा कि नहीं उसे नष्ट करने के तुरंत आ जाए कितना पावरफुल लेंस है आप लेंस बनाने का लोग कितना कष्ट करने पड़ता इंजीनियरिंग सीखा रिसर्च किया सिरामिक इंस्टीट्यूट है ये कुछ किया इसलिए आप देखें फ्लाई बैक उद्देश्य सब एक ही है आहार निर्धार तो रखा मुझे सब कोई मरने पड़ेगा आप मरने चाहता नहीं जातो से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म 10 महीना 10 दिन कंप्यूटर होता गर्भ में जाने पड़ता ये एक मेरी रिसर्च में देखा गया वो एक मेडिकल कॉलेज में जाने नहीं पड़ता कैसे डेवलपमेंट हो रहा आफ्टर कॉन्सेप्शन कोई नारी पुरुष का मिलन नहीं हो पा रहा 5-7 दिन कितना दिन बाद जैसे शास्त्र में लिखा है एक जैसा मटर है जैसा महापुर मेक्स ए फॉर्म जैसा आकार प्राप्त करता है उसके बाद कुछ दिन बाद उसका नाम खोल होगा छिद्र दो हाथ नासिका का दो मुँह का एक होता दो दो चार छत और क्या है जो निकाल जाता है शरीर से लिक्विड एलिया है नीचे और सॉलिड जो चीज़ है निकाल जाता और जो चीज इसका क्या ये जैसे एक नगर है उसमें दर्जा है दार है इस दिशा में कितना साइंटिफिक ये सब पता है ये नेचर को करने से इसलिए कोई साइंटिस्ट को बोलने से कहा ये नेचर है तो किसका नेचर ये कहा नेचर तो है जर है लेकिन इसका पीछे कोई बुद्धिमत्ता होना चाहिए नहीं तो कैसे होना चाहिए हम बताए ये साइंटिस्ट जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है न्यूटन आइंस्टाइन इनका आपको या साइंस का स्टूडेंट है हमारा एक डिपार्टमेंट एक आउटेट किसको हम कह रहे हैं जो कहा जाता है बी आर भक्तिवृद्धि इंस्टीट्यूट हम काफ़ी साइंटिस्ट मतलब किताब भी है पढ़ने से कोई यहाँ शायद है ये देखिए कितना लॉरी है को बुलाता कॉन्फ्रेंस कर आ जाता है उसने उसको पूछता आप बताइए व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्शसनेस चेतना का उत्स क्या है मूल क्या है उत्स क्या है अभी कोई आपका यहाँ का इतना कॉलेज है स्कूल है विदेश में भी है कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ये अमेरिकन प्रिंसटन अब कोई गया तो देखिए है हेमा सिंह कुछ नाम MIT वहाँ ऐसा कोई फैकल्टी नहीं यहाँ आत्मतत्व जहाँ
आत्मा का बारे में, चेतना का बारे में कोई डिपार्टमेंट है शिक्षा में, तो कैसे मालूम पड़ेगा धर्म क्या है? ये भगवद्गीता में भगवान जो परम चेतना एक सत्ता है, नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम है, सब चीज के बारे में उसका ज्ञान है, सब कुछ चेतना है विराज, और हमारा जितना चेतना है इस शरीर में है इसका बारे में। आपका अगर कोई मच्छर काटे हमारा, हम जाने नहीं सकेगा, क्यों देगा तब पता चलेगा, ये हमारा अनुमान है, लेकिन आप अनुभव कर नहीं सकते। लेकिन दूसरा का मन में क्या हो रहा है, क्या चिंतन कर रहा था, आप कर नहीं सकते। जो असली क्षेत्र का है, जैसे आप इस शरीर में आप सोच रहा मैं ये शरीर भगवद्गीता ने बताया इसका जो क्षेत्र क्षेत्र खेती 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 में क्या 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 होता है, फीलिंग कर आवाज होता है गौवा देखे हैं स्टीलिंग जगह जैसे आप फीलिंग करेगा, हाँ फार्मर हाँ ट्रैक्टर में हो चाहे गौवा देखे हो, पानी डालेगा ऐसा बीज डालेगा उसमें वैसे हमको फल नहीं प्रोडक्ट हार्वेस्ट। इस तरह ये भी शरीर है, ये खेती का नाम किसी काटी है गॉड कॉन्शियसनेस एकदम गॉड एंगल कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप क्वालिटी आदि यही चल रहा है। ये चीज का अभाव जो बोला कभी झूठ में धर्म सत्य स्वच्छता दया वायु आयु शारीरिक शक्ति और सर्व शक्ति कम हो जाए, ये मानवीय गुण ही मनुष्य को पशु से पृथक करते हैं। इसलिए कहा धर्म ही ना, धर्म क्या है, धर्म का अर्थ है जो लॉज गिवन बाय गॉड ऑर्डर ऑफ गॉड सुप्रीम। अब यहाँ का भारत में सरकार है, सरकार का भी कानून है, आप यहाँ ये जो स्टेट है गुजरात ये सरकार का नरेंद्र मोदी का कानून है, आप कानून को उल्लंघन करेगा जब पुलिस आपको पकड़े नहीं पकड़ के जेल में डाले, ये दुनिया में इसे जेल है कैद खाना इसलिए इसको कहता है दूर गलत अब पता है सब दूर आज क्या है कि नहीं, अब सप्तमी है षष्ठी है दुर्गा पूजा है कि नहीं, अब देखा दुर्गा में क्या होगा, अब बंगाल में जाएगा उड़ीसा में जाएगा कितना दुर्गा पूजा होगा, अब घर जगह में उतना नहीं होता है। दुर्गा के दस हाथ है, दस एक त्रिशूल लेकर उनका पति का त्रिशूल लेके असुर को मारा, त्रिशूल इसका मतलब है जो भगवान का निर्देश कानून को उल्लंघन कर रहा है तो उसको दुर्गा देवी दूर में डाल दे। एक दूर दूर क्या है, ये संसार को दूर का है, इसका अर्थ क्या है, यहाँ से निकालना दुख गौ गौम धर्म यहाँ से निकालना दुख को, यहाँ क्या है अगर यहाँ आप जन्म ले तो चूरा शिला जो जीव शरीर है 9 लाख किसान का पानी में शरीर जो जीव है पानी में जो सरीसृप है ऐसा मान लीजिए जो स्नेक गिरगिट लीजर ऐसा कीड़ा बग्स इंसेक्ट्स रुद्र शब्द का एक 11 किस्म का रुद्र का मूर्ति है शिव जी का, 11 लाख किस्म के ऐसे अभी तक साइंस का नहीं सकता है कितना किस्म का, ये एकदम डेफिनेट नंबर टेस्ट है, मैंने भी हो नहीं सकता एक पृथ्वी में नहीं है लेकिन दूसरा ग्रह में चिड़िया 10 लाख किस्म का चिड़िया है, यहाँ चिड़िया है ये शहर में हम देख रहे हैं तोता इधर से उधर जा रहा है, ये तोता जाने नहीं सकता यहाँ से देख जाएगा तो सुना ऐसा जो चिड़िया है कि आप यहाँ से साइबेरिया चला जाएगा, अभी हर रोज
जो पक्षी तत्वविद है ये लोग रिसर्च करते हैं, किसी ने इसे कछुआ है एक साउथ अफ्रीका से इधर आ जा, जगन्नाथ पुरी बंगाल में जो दीघा है समुद्र किनारे आ जाए चेन्नई, हर एक किस्म का क्षमता है, कैरेक्टरिस्टिक है अलग से। ऐसा चिड़िया है ये आप देखते इधर आए कि मालूम नहीं, जो पाम की होता आप देखेगा तो पेड़ से तो उसका जो पत्ता है वो उसका जो बीज है क्या कहते हैं उसे वो काट के ले आएगा, वो बुनेगा जैसा औरत लोग बनाता स्वेटर वो उनसे बनाएगा, लेकिन नेक वो उनका नेस्ट बनाएगा, उनके इनर चेम्बर है, जैसे घर में होता आदमी का बाहर का घर है अंदर महल है पता नहीं ध्यान उसके अपने उनको आउटर रहता बच्चा रहता है बाहर का अपने जीवन नहीं सकता अपने लोटा जाने सकता उस तरह भी उसका है ड्राइंग रूम है अंदर का घर है। अब फिर भी वो अगर तूफान हो आता है तो उसमें गिर जाएगी ऐसा झूला का माफी ये। जब बीटी सीधा थे तो पूछा अच्छा एक उसको फूल के ले आओ क्योंकि आर्किटेक्ट को कहा आप ऐसा बनाने से था फूल दे उसको पूरा तो आप यहाँ फिर जस्ट लाइक मेकिंग नेट यू कैन मेक वन आप ये बना नहीं सकता ये भी करना इतना बुद्धिमान है क्रिया क्या करता गोबर ले आए हाँ रख देता गोबर उसका कमरा में दो कमरा आप एक किस्म का ये है बक्स है आप देखा अंधेरे में जलने लगता उसको पकड़ के उसमें लगा देता उसको इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है लेकिन बत्ती भी जाए चलता है देखिए हाउ इंटेलिजेंट कहाँ से एक कोई का विश्लेषण नहीं कर आप बहुत देखा बड़ा आदमी है लड़का है कभी आदमी भी है ये कुछ नहीं कर सकते इसलिए कहा जाए पशु है 30 लाख किस्म का पशु कुछ जैसे गौआ है घोड़ा है जिराफ है लायन है सिंह है शेर है सियाल है बाइसन है बफेलो है 30 लाख 20 लाख किस्म का पेड़ है मेरे रेस्टर में साइंटिस्ट में किस्म का पेड़ है तो राक्षस कह नहीं सकता अगर आप भी जाए तो मानव भी जाए कोई जीव का नीच दिख में जाएगा उसका जो मेन चांक है प्रभु शाखा जो है उसका मेन उसका नीच दिख चला जाए उसका जितना शाखा पोशाक है ब्रांच है उसको अच्छा पकड़ देगा उसका चीप के दे जाए चिपक के दे जाए अब गन्ना का जूस निकाल मशीन है बाहर में गन्ना जूस तो पेशाई इस तरह सब निकाल कर थोड़ा सा तो हड्डी चाम जो है कैसे इस किसान का राक्षस को वहाँ पर पेड़ कैसे मनाए ये साइंटिस्ट कहने नहीं था एक भगवान भगवत गीता ने बताया संगत संज्ञा के काम कारण गुण संघर्ष अगर तम गुण रज गुण के साथ आप संगत करेगा तो इस समय आपका अपना चेतना भावना हो पैदा कारण कारण क्या है गुण संग अस क्या होगा सत असत जन्म जो निश कोई तम गुण में है होने सकता है पेड़ बन जाता होने सकता है ऐसा जी बनेगा बहुत ही नीच जाए और कैरेक्टरिस्टिक है मिल जाए तो ऐसा हम शरीर को प्राप्त करें अगर तुम भालू का मामी तुम्हारा भावना है नीच जाना पसंद करता 6 महीना जैसे और बहुत तुम खून पीना तुम्हारा आदत है ठंडा जगह में रहना ठीक है पहाड़ में रहना
Next time, take the body of him. भालू गुजरात में जंगल है, वहाँ भालू है, उड़ीसा उड़ीसा से उसमें भालू है, हिमालय में से भालू है, साउथ नॉर्थ पोल में भालू है, बहुत बड़ा रशिया में रशियन पांडा चाइनीज पांडा बहुत बड़ा भालू है, इतना बड़ा नोक होता, बहुत मछली खाना पसंद करता, मत खाना क्या कहता हानि को क्या कहता मन वो भी पीना पसंद है, पेड़ में उठ नहीं सकता, अगर इसका कोई ऐसा लक्षण है तो हो नहीं सकता, अगले जन्म में इसका कामना वासना है तो नेक्स्ट लाइफ भालू होने तो मांस ज्यादा खाता है तो ज्यादा में आ सकता है, हो नहीं सकता, नेक्स्ट लाइफ टेक द टाइगर्स बॉडी, बंगाल में आ सकता है लेकिन बिकम रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, जो यूपी में है पहाड़ में घूमता उधर श्रीनगर कुमाऊं मैनेजर ऑफ कुमाऊं इसके ऊपर कहा यू लीव ए लाइफ लाइक ए डॉग और हो कोई आपका विचार नहीं है, शादी नहीं किया क्षमा करना, दूसरा औरत को साथ आप मिलते जुलते बहुत अंतरंग से अंतरंग भाव से उसके साथ गंदा काम भी कर रहा हो नहीं सकता, नेक्स्ट टाइम जो चीज़ मिल जाता खा लेता इधर उधर गंदा स्थान में जाता जो साफा नहीं है होने से नेक्स्ट लाइफ बिकम सुअर, सुअर का कोई नो कॉन्सेप्ट नहीं, वो माँ को साथ अपने लड़की को साथ वो संभव कर कहता कि हैं तो क्यों ये सुअर ना कोई नहीं कहने से ये शास्त्र में रखा है पद्म पुराण विष्णु पुराण इसलिए हम लोग कहाँ हैं, अगर आपका सतगुरु में आपका स्थिति है जो ऋषभ देव ने बताया ये मनुष्य जन्म है दुर्लभ लब्धा सुदुर्लभ एकदम बहु संभवान्ति, आपका आप इधर आए थे आप पीछे जन्म में पुण्य किए थे इसलिए इधर आए, हर आदमी आते हैं हम दूसरा से देख रहा दूसरा विषय भोग कर रहा तो क्या करना है शतान को संग्रह जो सत्संग कर रहा है साधु का संग तो वैष्णव है साधु है साधु का लक्षण है बहुनाम जन्म नाम मानते ज्ञानवान मान को करते भगवान का शरण में आश्रय लिया भगवान को निर्भरशील है भगवान का शरणागत है वासुदेव सर्वमिति इसका बी ऑल एंड एंड ऑल इस वासुदेव कृष्ण विष्णु नारायण हरि राम सौ महात्मा इसको महात्मा कहा मनुष्यानाम सर्वश्रेष्ठ